छत्तीसगढ़ के कबीरधाम स्थित भोरमदेव के प्राचीन मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। पुरातत्व विभाग की लापरवाही के कारण कभी भी मंदिर धराशायी हो सकता है। ठेकेदार के मजदूर बेहिसाब नींव के पास गैती चलाकर खुदाई कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी के प्राचीन भोरमदेव मंदिर के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। मंदिर को संभालने के बजाय नींव को कमजोर किया जा रहा है। दरअसल पुरातत्व विभाग ने बिना किसी विशेषज्ञ की मौजूदगी में स्थानीय ठेकेदार को खुदाई का जिम्मा सौंप दिया। ठेकेदार के मजदूर बेहिसाब नींव के पास गैंती चलाकर खुदाई कर रहे थे। स्थानीय स्तर के ठेका कर्मियों को प्राचीन स्थल पर खुदाई करने का अनुभव भी नहीं है। जब इसकी जानकारी कलेक्टर को लगी तो उन्होंने काम रुकवा दिया। इस संबंध में मुझे जब जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की है पुरातत्व विभाग के, और उन्होंने अभी काम रुकने के लिए बोल दिया है। और उनके मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उनकी जो टीम है, उनके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे और कार्य को बताएंगे कि किस तरह करने वाले हैं, ताकि हम स्थानीय स्तर पर PWD के भी अधिकारियों को इन्वॉल्व करके इसकी कार्रवाई आगे कर सकें। लेकिन इसमें एजेंसी पुरातत्व विभाग का विशेषज्ञ विभाग वही है, तो उनने अपनी एजेंसी फिक्स की थी और उनके इंजीनियर रहते हैं। अभी इंजीनियर उनके शायद उस जगह उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमने काम रुकवाया। भोरमदेव के नाम से मशहूर शिव मंदिर कबीरधाम जिले के चौरा गांव में है, जो लगभग 1 साल पुराना है। कुछ सालों से मंदिर की नींव कमजोर हो रही है, साथ ही मंदिर का हिस्सा एक ओर झुक रहा है। बरसात के दिनों में मंदिर के गर्भगृह में पानी भर जाता है, ऐसे में मंदिर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मंदिर के अस्तित्व को बचाने और नींव को मजबूत करने के लिए पुरातत्व विभाग ने 3 साल पहले प्रशासन को काम करने की जानकारी दी थी, लेकिन काम नहीं शुरू हो पाया था। बारिश होने के कारण मंदिर में जो है कई जगह से पानी रिस रहा था, पानी चू रहा था, पानी टपक रहा था। पुरातत्व विभाग में संज्ञान दिया गया और उनके द्वारा फिर आकर के उनकी एक टीम आई थी यहाँ, और उनके द्वारा चारों ओर से मंदिर को देखा गया। और मंदिर को देखने के बाद सभी लोग निर्णय लिए कि बरसात के बाद जो है मंदिर प्रांगण में कार्य जो है प्रारंभ होगा, और उनके द्वारा ही यह निर्णय लिया गया था कि मंदिर को चारों तरफ जो है खुदाई करके उसमें कंकरीकरण करना है, चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग, चारों तरफ जो है रेलिंग करना है। नींव को मजबूत करने के लिए 2 दिन पहले मंदिर के किनारे खुदाई की गई, लेकिन वहां स्थानीय मजदूरों से काम कराया जा रहा था। बड़े बड़े कुदाल और फावड़ा से नींव को खोदा जा रहा था, क्योंकि मंदिर का निर्माण 1000 साल पहले विशेष शैली में की गई थी। ऐसे में बिना प्रशिक्षित लोगों से खनन कराए जाने से मंदिर के गिरने का डर बना हुआ है। पुजारी ने इस मामले की जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद खुदाई के काम को बीच में ही रोक दिया गया। उसने कहा कि मैं पुरातत्व विभाग से आया हुआ हूँ और मुझे परमिशन मिला है कि मंदिर के चारों तरफ जो है चहूं और खुदाई करना है। उसके बाद वो जो है छत्री मजदूरों को ले आया, ला करके जो है खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद सायंकाल के समय फिर जैसे जिला पंचायत जिला प्रशासन के संज्ञान में बात आई, तत्काल जो है काम को जो है ब्रेक लगाया गया।